माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 और 11 के लाइसेंस को एक्सपायर कर रहे हैं। काफ़ी सारे पीसी में ये बग्स आ चुका है, इनफैक्ट मेरे पीसी में भी आ चुका है। क्या आपके पीसी में भी आ चुका है मुझे कमेंट में बताइए। तो क्या कुछ बग्स निकल के आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से? काफ़ी कुछ लोग अगड़म तिगड़म तरीके से विंडोज़ को एक्टिवेट करते हैं या फिर अनएक्टिवेटेड विंडोज़ को चलाते हैं। तो इसको जानने के लिए आप विंडोज़ और आर की को एक साथ दबाइए। वहाँ पर टाइप कीजिए slmgr.vbs/dli। यहाँ पे आपके सामने ऐसा एक स्क्रिप्ट होस्ट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 4-5 लाइन का आ रहा है तो ठीक है, या फिर यहाँ पे एक्टिवेटेड या फिर अनएक्टिवेटेड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर ये दिक्कत लैपटॉप यूजर्स के साथ आ रही है, क्योंकि जब आप नया लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको उसमें जेन्युइन लाइसेंस की मिलता है और कुछ लोग इसको संभाल के रखते हैं। लेकिन जब आप विंडोज़ 10 से 11 में या फिर 11 से 10 में आ रहे हो तो ये लाइसेंस की एक्सपायर्ड दिखा रहा है। डेस्कटॉप यूजर तो चलो कुछ पायरेटेड चला भी लेते हैं, लेकिन लैपटॉप यूजर्स यहाँ पे आप जेन्युइन चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आपको अगर आप विंडोज़ 10 से 11 में अपग्रेड हुए हैं तो 10 दिन का टाइम देता है वापस विंडोज़ 10 में डाउनग्रेड होने के लिए, जिसको आप गो बैक ऑप्शन से वापस जा सकते हैं। लेकिन 10 दिन के बाद ये ऑप्शन गायब हो जाता है। अगर आपका ये इशू विंडोज़ 11 के साथ आ रहा है लेकिन जैसे ही आप विंडोज़ 10 में डाउनग्रेड हो जाते हो तो ये इशू खत्म हो जाता है, तो आप वापस विंडोज़ 10 का मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करके वापस डाउनग्रेड हो सकते हो। अगर ये इशू विंडोज़ 10 के साथ आ रहा है, 11 के साथ नहीं आ रहा था, तो आप वापस यहाँ पे विंडोज़ 11 का मीडिया क्रिएशन टूल सर्च करके उसे डाउनलोड करके वापस विंडोज़ 11 में अपग्रेड हो सकते हो। तो ये कुछ एक सोल्यूशन था। आप यहाँ से विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन असिस्टेंट या फिर मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता है तो दूसरा सोल्यूशन में आप यहाँ से विंडोज़ 10 या फिर 11 के लाइसेंस्ड की या फिर इसके सस्ते OEM कीज खरीद सकते हैं, जिससे आप जेन्युइनली अपने PC को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये दूसरा सोल्यूशन है अगर जिनका पहले सोल्यूशन में काम नहीं बना। आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग में आना है, उसके बाद आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्टिवेशन ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप अपने विंडोज़ का वर्जन और ये कहाँ से एक्टिवेटेड है या फिर OEM की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक्टिवेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपडेट प्रोडक्ट की पे जाना है। यहाँ पे आपको चेंज प्रोडक्ट की में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट की डाल के नेक्स्ट करके अपने PC को एक्टिवेट करना है। तो ये कुछ स्टेप्स था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।